दोस्तों मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉर्डिंग पार्ट वन, ये पोस्टर आप देख सकते हो, ये फिल्म मैंने देख ली है हाल फिलहाल में। मेरी क्या राय है टॉम क्रूज की फिल्म को लेकर, वो मैं बताने वाला हूँ। मेरे हिसाब से मुझे ये कहना चाहिए कि टॉम क्रूज हमेशा कुछ नया, कुछ अनोखा, कुछ तड़कता भड़कता मसालेदार पब्लिक को हमेशा देते आए हैं। और यहाँ पर पूरी फिल्म की खासियत जो है वो इस फिल्म में एक ट्रेन सीक्वेंस है, वो जो है या दिख रहा होगा वो ट्रेन सीक्वेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन पार्ट है जो लास्ट आधे घंटे में फिल्म में नज़र आता है। इसके अलावा यहाँ पे जो ये लड़की है, इसका जो करेक्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा। इसका और हमारे हीरो टॉम क्रूज का कुछ ना कुछ कनेक्शन बढ़िया है, जो फिल्म के एंड में काफ़ी कुछ आपको नज़र आएगा। वहीं अगर आप ध्यान से देखो तो टॉम क्रूज के जो साथी है, जो पूरे गैंग मेम्बर्स है, वो उनके साथ रहते हैं, लेकिन ये जो बंदी है, ये पिछले पार्ट में भी शायद थी, इस बंदी के साथ क्या होता है ये बहुत तकलीफ देगा आपको। लेकिन टॉम क्रूज की इस फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 में या मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉर्डिंग पार्ट 1 में एक नई लड़की है जिसने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि उसका जो रोल है ऐसा कह सकते हैं कि वो पैरेलल चलता रहता है टॉम क्रूज के साथ। तो फिल्म इर्द गिर्द घूमती है एक ऐसी चाबी को लेकर, जो चाबी के दो हिस्से हैं, और दोनों हिस्से अगर जुड़ जाए कुछ ऐसे राज खुल सकते हैं जिससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, या फिर हर एक मुल्क उस चाबी की तलाश में है। अब टॉम क्रूज कैसे एक चाबी के दोनों हिस्से को फाइंड आउट करते हैं वो नई लड़की के साथ, ये इस फिल्म की कहानी है, देखकर जो आपको बहुत अच्छी लगेगी और बहुत कमाल का सब्जेक्ट है। कुल मिलाकर मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉर्डिंग बहुत कमाल की फिल्म है, पैसा वसूल फिल्म है, और इसे आप IMAX 2D फॉर्मेट में देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये जो है इस फिल्म में विलन का रोल प्ले करते हैं, जो अभी तक इनका खात्मा हुआ नहीं है, यानी कि डेड रिकॉर्डिंग पार्ट 1 का पार्ट 2 भी आने वाला है, जहाँ पे यहाँ पे हमारे जो टॉम क्रूज है वो रहेंगे, वो जो नई लड़की है वो भी फिल्म का हिस्सा बन सकती है। और अभी शायद ये लड़की मर चुकी है मेरे को ऐसा लगता है, तो शायद ये नहीं होगी, लेकिन ये बंदा ज़रूर होने वाला है। तो कुल मिला के जिस तरह से फिल्म बनाई गई है, फिल्म में कुछ ऐसे पहलू है जहाँ पे इमोशन काफ़ी बढ़िया तरह से दिखाए गए, जो इस फिल्म की खास बात है। फिल्म छोटी नहीं है, 2.5 घंटे के आसपास की फिल्म है, और ऐसी फिल्म को एंगेजिंग एंटरटेनिंग बनाना आसान नहीं होता है, लेकिन मेकर्स ने बनाया है, ये बड़ी बात है। ट्रेन सीक्वेंस सबसे बढ़िया सीक्वेंस है, जो देखकर आपका दिल ज़रूर भर आएगा। और 60 की एज में जिस तरह से भागते हैं टॉम क्रूज, उससे देखकर नए नए यंगस्टर्स को भी जॉगिंग करने का, भागने का मन करेगा। तो कुल मिला के आपकी क्या राय है इस बारे में ज़रूर बताएगा। मेरी तरफ से डेड रिकॉर्डिंग पार्ट 1 मिशन इम्पॉसिबल को, या फिर मिशन इम्पॉसिबल 7 को, मेरी तरफ से 5 में से 3.5 स्टार।